केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ना तो एलजेपी कुछ बोल रही है और ना ही जेडीयू। वहीं बीजेपी की ओर से भी इस मामले पर अभी कोई पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि एलजेपी के हिस्से की ये सीट उसी के खाते में रहेगी या नहीं, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। दरअसल जिस तरह से पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को सीधे टारगेट किया, इससे दोनों ही दलों के बीच तल्खी साफ दिखाई दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव परिणाम के बाद भी चिराग पासवान को ना तो जेडीयू ने और ना ही बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। ऐसे में चिराग के एनडीए में रहने या ना रहने को लेकर भी सवाल है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान समझौते के तहत बीजेपी ने अपने कोटे से पासवान को राज्यसभा भेजा था। इस सीट पर एलजेपी की फिर नजर है और दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के लिए एलजेपी को इस सीट को चाह रही है। हालांकि इस मामले में चिराग पासवान का ना तो रुख साफ हुआ है और ना ही मीडिया में कोई बयान अभी तक आया है। हालांकि मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए एलजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व से रीना के लिए इस सीट की मांग की है। एलजेपी के नेता कहते हैं कि रीना को राज्यसभा भेजना ही पासवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि जेडीयू के तल्ख तेवर को देखते हुए केंद्र में बीजेपी की सहयोगी एलजेपी की मांग को बिहार में पूरा करना अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में एक नाम जिन्हें राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा खूब जोरों पर है, वो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। दरअसल बीजेपी में राज्यसभा के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन जेडीयू एलजेपी के कड़वे रिश्ते के चलते बीजेपी को अपने ही किसी सर्वसम्मत प्रत्याशी को आगे करना होगा। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा तेजी से चल रही है। गौरतलब है कि पिछले 3 दशक से सुशील कुमार मोदी बिहार में बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता रहे हैं। नीतीश कुमार से उनके करीब रिश्तों को देखते हुए जेडीयू को उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। बीजेपी को सुशील कुमार मोदी के नाम पर एनडीए के अन्य दलों के विधायकों को भी एकजुट रखने में भी मदद मिलेगी। सीटों पर जीत हार के समीकरण के लिहाज से इस एकमात्र सीट को निकालने के लिए किसी भी गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत का होना जरूरी है। अगर विपक्ष की ओर से भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है तो 243 सदस्य विधानसभा में जीत उसी की हो सकती है जिसे प्रथम वरीयता के कम से कम 122 वोट मिले। ऐसे में हालात ये है कि कोई भी दल अकेले इस अंक के आसपास भी नहीं है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ जरूरी है। बीजेपी को अपने कोटे की सीट को बचाने के लिए जेडीयू की मदद की दरकार होगी। जाहिर है ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रत्याशी ही जीत का हकदार हो सकता है जिसे एनडीए के सभी चारों घटक दल पसंद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।